कैब लग गया 2 लाख रुपए फर्स्ट शिफ्ट के, 2 लाख। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। गाइज तो आज मैं शिवम के साथ प्रैंक करने वाली हूँ, ब्रेस्ट इम्प्लांट प्रैंक। और गाइज थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, तो गाइज प्रैंक स्टार्ट करते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताना चाहती, पूरा वीडियो में देखना आप बिना स्किप करें, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो गाइज मिलते हैं, कैमरा सेट कर देती हूँ मैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। कितनी ठंड हो रही है यार आज? ठंड है। अब मुझे तुम्हें देख के लग रहा तुम्हें जैसे ठंड लग रही हो बिल्कुल भी। हाँ तो इतनी ठंड भी नहीं है। मैं नहीं पहन रही। हाँ भाई तुम्हारा लग रही है। उनको पहन रही है कपड़े। लड़कियाँ वो सुना नहीं है, लड़कियाँ हॉट होती है। पर तुम कुछ ज्यादा ही होता वहां यार, मेरे बड़े इतने ठंडे हो रहे हैं ऐसा लग रहा मुझे, तो मैं जैसे पत्थर पे चल गया हूं। हो रहे यार बहुत ज्यादा, ये वाला तो कुछ ज्यादा ही ठंडा हो रहा है, तो फिर भी नॉर्मल है, बट ये वाला बहुत ठंडा हो रहा ऐसा लग रहा। तो आई नहीं सुन पड़ा सब। पर तो मैं देख के सब करंट तो गया। और बताओ क्या सुन रहा तुम? कवाई कहाँ जा रहा? किसी का तुम नहीं दिया जब तक आया हुआ माँ का। मैं कहीं गई थी। कहाँ गई थी तुम? गई थी कहीं। अरे नहीं गई भी थी, कुछ जगह का नाम भी होगा। कहीं गई थी, कहीं गई थी। दोस्त का काम था, दोस्त के साथ गई थी। अच्छा बढ़िया बात है। वैसे मैं ठीक लग रही हूँ आज। क्यूट लग रही हो पूरी पूरी। साड़ी भी तो कई दिनों पहले ना तुमने। एक डेढ़ महीना, दो तीन महीने पहले। बस इसी वजह से तुम्हें ज़्यादा डिफरेंट लग रही हो। डिफरेंट लग रही है? तो देखो मैं सब चूड़ियाँ वूड़ियाँ सब पहन के गई थी आज, थोड़े वेस्टर्न इंडियन लुक, सॉरी वेस्टर्न नहीं, वेस्टर्न वही लगे रहा मैं। बताओ वेस्टर्न लुक बता के चूड़ियाँ दिखा रही। नहीं इंडियन लुक। यार तुम तो कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही हो आज। क्या बात, बड़े 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 लग रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आज तो लगने भी चाहिए। आज क्यों यार, कुछ ज्यादा अलग है कहीं जवान, ज्यादा अलग बट आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा किस वजह से? हमें भी खुश कर दीजिए। इस वजह से क्योंकि मैंने ये चीज करवाई है। क्या मतलब? मैंने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया है। सर्जरी। तुमने मुझे बताना जरूरी समझा ना, तुमने मेरे से पूछना जरूरी समझा। तो मतलब इसमें आपसे पूछने की क्या बात है भाई? शरीर तो मेरा है, मेरी मर्जी। तो यार फिर भी कम से कम बताना पूछना तो चाहिए। क्या है सर्जरी बर्जरी कहा करवाई यार तुमने? हकीम रब्बानी। क्या है इसके सिस्टम मतलब? हकीम रब्बानी। हाँ एक हकीम के पास सर्जरी हो रही। हाँ तुम्हें चूरन लगा दिया उन्होंने? चूरन नहीं लगाया। तुम्हें कैसे पता चला? तुमने क्या सच में बताओ मेरी कसम खाया, तुमने सही में करा दी क्या? बेवकूफ बेवकूफ बना दिया। सच में करवा ली मैंने, दो तीन दिन पहले वो मतलब वो डाल के गए थे पैम्पलेट, तो मैंने देखी और मुझे बहुत दिनों से मतलब ये लग भी रही थी। मैंने कहा यार सबकी इतने मतलब इतने अच्छी अच्छी वीडियोज में इसके बारे में क्या क्या है कैसे है मुझे तो नहीं बताओ। गूगल वैसा कर देता था, समझ गया। अब नहीं हो सकता, पहले से ही बहुत दर्द हो रहा मेरे। हो तो सब कुछ 2 मिनट में जाएगा, जब भी मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा तुम्हारे भी कान के नीचे गोल लगाऊंगा और उसके भी। कि तुमने तो क्या क्या हो जाएगा? उससे क्या क्या हो जाएगा? जो जैसा था वो वैसा हो जाएगा। नहीं होएगा। होएगा कैसे? मेरे दर्द है मैं अपने ही करवाने की ठीक। और ऐसा नहीं होता कि मतलब एक बार सर्जरी होने के बाद कि दोबारा सर्जरी तो है सब हो जावे, वापस से सर्जरी करके बैक वैसे ही कर देंगे ठीक है। तो मैं नहीं करवाने की। मुझे तो मैं ठीक चल गया ऐसा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तुम बताओ। तो मैं आपको दिखाने के लिए करूंगी क्या?
तो फिर इसे दिखाने के लिए कर रही हूँ अपना अपने आप को भी दिखाने के लिए, पता ही चलता है देखने के लिए। यार तुमने दिमाग खराब कर दिया, ये पता नहीं तुम कहाँ से, बस तुम्हें गाली बोल दूंगा और कुछ नहीं होने का। वो क्रेडिट कार्ड में पैसा डलवा देना। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। क्या मतलब? तेरे अपने जो भी कुछ करा वो सब मेरे पैसे से कर दिया। अब मतलब हम दोनों में मेरा तेरा भी आ गया? क्या रुपए लगे इसमें? मेरे पे मैसेज क्यों नहीं आया यार? आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आया हुआ तो होगा। क्या रुपए लग गया? 2 लाख रुपए फर्स्ट शिफ्ट के, 2 लाख। तो 4 लाख रुपए खर्च कर दिए मेरे अकाउंट के। अभी तो ही करे, क्रेडिट कार्ड के अभी तो ही करे, चार नहीं करे। बहुत ऐसा तुम्हारा, तुमने अभी तो ही करे, बहुत बढ़िया मुन्ना। चार नहीं करे, तेरे दहेज माई दे गए 2 लाख रुपए जो तेने वहां पे कर दिए। 15 दिन में जाऊंगी ना, जब चाहिए 2 लाख मैं अपनी ज्वेलरी ले लूंगी, तो वो तो मेरी है ना। ज्यादा मत बोलने, अभी उसके द्वारा लेगा चल, उससे पैसे दुआ वापसी मेरे, ठीक है? हमें पैसे वापस नहीं हो, कैसे नहीं हो? सर्जरी है। पुलिस को बोलो ये कैसी गैर कानूनी सर्जरी चला रखी है हमने, 100 नंबर 100 पुलिस पे भी फोन मिलाया जाएगा, एकदम आ जाएंगे। वो सर्जरी करने के लिए सर्जर थोड़ा है, वो तो ये वो है मतलब सर्जरी को MBBS डॉक्टर कर सकता है, बड़ा वो भी MD सर्जन से ऐसा ही थोड़ा, कुछ भी कोई भी सर्जरी कर देगा। करवा लिया वो तो तुम्हें पता चलेगा, तुम भी जेल में जाओगे, तुम्हारा वो डॉक्टर भी जो मुझे मेरे पैसे ना मिले तुम्हें मैं बताऊंगा। नहीं यार मेरे पास मतलब आपको मेरे से ज्यादा जरूरी, वो पैसे पैसे दिख गए मेरे से ज्यादा जरूरी आपके लिए वो पैसे हैं। तो तुमने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिए, कौन से पे? मेरे थे वो ATM कार्ड थोड़ा होता है उस पे, तो सारे थोड़े पैसे उससे ही कर दिए। 1.5 लाख रुपए घर में पड़े थे। अबे साले तुमने भी दे दिए, 50 तुमने क्रेडिट कार्ड से कर दिए खर्च, तुमने खत्म कर दिया यार। तुम बहुत पागल निकले यार, मुझे तुमसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी यार। एक बात तुम्हें समझाऊं, क्रेडिट कार्ड का जो पैसा होता है, पहली बात तो ये बहुत बड़ी वो है, हमें वापसी करना पड़ता है विद इंटरेस्ट उनके, ठीक है? वो ऐसे नहीं कि बैंक के हमें रिश्तेदार है, बैंक के जाओ बेटा ऐसा करो, तो कर देना। कर देना करता तो वहां से, जहां से तुमने वो भी सेविंग भी तो दे दी, कर कहां से देता? तो आप कमा किसके लिए रहे हो? किसके लिए रहे? तो मैं इन ट्रांसप्लांटों के लिए कमा रहा हूँ तुम्हारे, है ना? और तो कुछ खाना पीना खर्चा पहनना सोना रहना तो जिंदगी भर आई नहीं हमारे। अब हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, खाना पीना रहना तो जिंदगी भर रहे हैं। यार तुम्हारा क्या करूँ मैं, तुम अपने तुम पहले तो मुझे किस दोस्त के साथ रहिए, तुम्हें कौन सी ऐसी सलाह देना? मैं बताऊंगी अपने आप के साथ, तुम्हारे घर वालों को बताया तुमने ये सब करा? मैंने किसी को नहीं बताया, मैं सभी सबसे पहले सरप्राइज तुमने मुझे दिया। थोड़ा किसी पर्दी के पास जाके ऐसा कुछ भी करा लोगे? तुम्हारे घर बता देता हूँ पहले, तुम्हारे काम कांड मगर तुमने अपने नोंडे को ये सब क्या दिखा रखा? वो हमसे ऐसे ऐसे हरकतें कर रही है, मगर इससे पहले हम इसी पुटाई करे सब वापसी ले जाओ। सर्जरी तो कोई भी करते है यार, तुमने दिमाग खराब कर दिया। तुम बस यहाँ तो भाग जाओ, जाओ रूम से मेरे, इससे पहले मैं तुम्हें दिमाग खराब कर दिया। हर चीज में मेरी गलती थी गाइस, और किसी गलती है इसमें? इसमें भी मेरी गलती है क्या? 2 लाख रुपए के पीछे में 2 लाख यार, मैं 2 लाख रुपए की भी नहीं है, तुम्हें सच सच बताऊं तो एक बात ये भी, तुम जहाँ गई ना वो पहले सर्जन था ना, वो डॉक्टर था, कुछ और भी जाता ना, तो मैं तुम्हें पता ही नहीं कुछ रिएक्शन, इसके रिएक्शन को एकदम थोड़ा पता चलेंगे। आज तो तुम गई हो, रिएक्शन हो जाए कुछ और बात हो जाए। जब मैं तुम्हारी सच में दिमाग में टकरा गया है यार, तुम मेरे साथ चलो, उठो चलो
अभी जल्दी बताओ कहाँ है। अब मेरे दर्द हो रहा है, अभी अभी सर्जरी करा के। मेरे हाथ लगाने से तुम्हारे दर्द दर्द हो रहा है, सर्जरी के नहीं दर्द हो रहे होंगे। वही तो कह रही हूँ जी, कहीं दर्द हो रहा। जल्दी जल्दी बता दे मुझे कहाँ है उसका एड्रेस। मैं बहुत प्यार से एक मिनट से पूछ रहा हूँ देखो, बट मैं इसे बार बार नहीं रिपीट कर पाऊंगा, बस सच बता रहा हूँ। आज तुमने लिमिट क्रॉस कर दी सारी, दिमाग बहुत ज्यादा खराब है समझी। प्यार से उठो और चलो मेरे साथ। मैं आपको क्यूट नहीं लग रही? छोड़ दो ये सब बकचोदियाँ, क्यूट लगने ना लगनी, ब्यूटीफुल अगली सब हटा दो, तुम चुपचाप चलो, अन्य एड्रेस बता दो। तो क्या करना, अब उसका एड्रेस जान के पैसे मैंने दे चुकी, अब वो वापस नहीं देने का। नहीं लेना है तो मैं रोकूंगा तो, ताकि ये सब बकचोदी और कोई अपनी किसी और के साथ ना हो सके। तो यार ठीक तो लग रहे हैं बड़े बड़े, बताओ यार ठीक तो लग रहे हैं बड़े बड़े। सब क्या देखना पड़ रहा है यार, तुम ये शिरकत कैसे कर सकोगे तुम, बस कर दी यार, कर दी तो है बट अब क्या करूं। अच्छे नहीं लग रहे तेरे, अच्छे लग रहे पर अच्छे ना लगने लगने गए तो नेचुरल हो, एज के साथ साथ बड़े हो जाता है सब, उसमें कुछ थोड़ा होता है। अच्छे नहीं लग रहे तो भाई, किस साल की उम्र में इक्की तम्बोला बनना चाह रही हो, बिल्कुल पता नहीं तुम तो क्या ही चाह रही जीवन से। तो निक्की के देखो तो कितने, पता नहीं क्या देखो तो उसके, देखो तो देख ना मेरी सारी दोस्तों की, देख लो उनकी भी सारी चीजें। मैं चल मान खराब तुम्हारी, ये तो कह रहा मैं तुम्हारी दोस्तों का अकाउंट है, उन्होंने तुम्हें इतनी फर्जी राय, तुम अपनी दोस्तों का नंबर दो करो। तुम मेरी बात करो, वो नहीं कही थी ना उसके, काम है वो नहीं कही थी, मैं तो मजाक कर रही थी, नहीं ले रही अब तो हो गया। दो लाख तुम्हारे दूसरे सर्जरी करा सकते हैं। चलो ना, मेरी 15 दिन बाद आज ही हो जाएगी, 15 दिन वाली भी। मैंने कहा ना 15 दिन, ये सच में भी नहीं, चलो चलो 15 दिन बाद होएगी। 2 लाख रुपए तो चाहिए, मेरी सर्जरी कराएंगे हम तुम्हारे। मैं कह रही ना, चलो यार नहीं, चलो जल्दी बाबू, मैं नंबर हैंग कर रही थी। ये तुम आपको क्यूट लग रहा था तुम, ये सब कैसे जो मैंने 2-3 वो पहन ली थी। गाइस तो शिवम मेरे से गुस्सा हो चुका है, और गाइस थोड़ा सा ज्यादा हो गया शायद, वो सीरियस ले गया इस चीज को, क्योंकि मैं उसे ऐसे ही पसंद हूँ नेचुरली, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। और
कैसा लगा मेरा प्रैंक, इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और गाइज ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ। ओके गाइज बाय, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैंक में, और मैं शिवम को थोड़ा मना लूँ। बाय।